आपको दिखाएंगे लाइफ इन द सवाना। ये इसके बारे में पढ़िए, उसकी शुरुआत ही ऐसे ऐसे है। आपको इसको 2 मिनट के लिए समझ देते हैं, अभी 2 मिनट का देख सकते हैं। इस तरह से इसे मारकर चोट पहुंचाना गलत है। ये तो ह्यूमन का स्पेशल अटैक है, पोकेमोन लीग ने इसे मान्यता दी है, ये लीगल है। फिर भी ये बड़ा ही बेकार तरीका है। पिकाचू टाइम और पिकाचू तुम ठीक तो हो? आज इससे पता चलता है कि तुम में कितना दम है। इनके अंदर काफी गुरूर है और हमें उस गुरूर को तोड़ना ही होगा। तुम अपना बेस्ट शॉट दो, कम ऑन पिकाचू। जितना दम है उतना पूरा लगा दो पिकाचू। की टिकट है। अब तुम ठीक हो जाओगे। किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि पिकाचू बिजली के अलावा किसी और चीज से भी जी रहा है। मैंने ऐसी लड़ाई आज तक कभी नहीं देखी। और इसे कॉपी मत करना, ये तो बस एक इत्तेफाक था। पर ये एक अच्छा इत्तेफाक था, है ना? खाते बोल दो बीस्ट के बारे में। दुनिया को दवाई से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। रोबोटिक्स के बारे में भी पढ़िए और उसके नेक्स्ट नेक्स्ट पेजेस के बारे में सुना है। तुम्हें वो होना जिसे एग्जाम में सबसे कम मार्क्स मिले थे। चलो तुम्हारी टीम और हमारी टीम के बीच एक मुकाबला हो जाए। काटे डिजिटल वर्ल्ड रूस में तो एक एक लिखा है सवाना इंडेंजर्ड। खाते कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे आप स्कूल में नहीं सीख सकते और ये एक बहुत ही अच्छा सबक है। मैं घर वापस जाकर शुरू से शुरुआत करना चाहता हूँ, ठीक वैसे जैसे ऐश ने किया। जिज़ेल, शायद हमारी मुलाकात किसी दिन पोकेमोन लीग में हो। हाँ जरूर, मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारा डटकर मुकाबला करूं। क्या मैं तुम्हारी तस्वीर अपने पास रख सकता हूं? बिल्कुल रखो, मेरे पास भी मेरे दोस्तों की तस्वीर है। क्या मेरे भी है? अब हम दोस्त हैं ना? गुड लक जो। तुम्हें भी जिज़ेल। देखो, तुम और मैं इस तरह क्यों नहीं हो सकते मिस्टी? मैं बताती हूँ क्यों नहीं, क्योंकि उसे उसे नहीं साइकिल नहीं देनी है ना। तो हम शायद किसी और दिन फिर मुकाबला करेंगे, मुझे इंतजार रहेगा। मुझे भी। स्कूल में सीखी हुई बातों को याद करते हुए ऐश और उसके दोस्त अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं बस स्टॉप जाती हूँ बच्चों को लेने, पूरे फेस पे डस्ट फील होता है। हमने हीरा को 7 दिन के लिए डव ट्राई करने को कहा। मैंने डव यूज किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ग्लो कर रही हूँ, चमक रही हूँ। मेरी डॉटर को वैसे भी मेरी चीज बहुत पसंद है। जब उसने मुझे जोर से किया तो मैंने उसको बोला, एक्चुअली नो इट्स 14 एंड देन शी लाइक नो मम्मा नाउ यू आर सॉफ्ट सॉफ्ट। एक चौथाई मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ पाए ₹10 में। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अपने बाद परिवार के सहारे के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाओ policybazaar.com से। policybazaar.com स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
मैंने वीडियो में देखी होंगी फीमेल्स की लड़ाई कैसे होती है, तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। हाई नी हग्गा बग्गा है, इनको हग्गा बग्गा कहते हैं। चीता दिखाते हैं दुनिया का सबसे इसीलिए डिटर्जेंट और फिनाइल की बच्चों के लिए ये खास कर बच्चों के लिए अमेजन हो रहा है क्योंकि अभी एनिमेशन स्टोरी दिखाते हैं टाइगर के बारे में, स्केलेटन ऐसे होते हैं, लाइन भी ऐसा होता है। ये है काऊ का स्केलेटन, ये मैंने बनाया था, देख सकते हो ये फ्रॉग का स्केलेटन है। दिखाते हैं डायनासोर के बारे में, जला अधिक जानकारी के लिए अपने केबल डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिलवाया थे कि मैं सिखा तो इनके पास होते थे पहले तो हुआ। तो बच्चों के स्कूल की फीस, घर का खर्चा कौन भरेगा? अरे अब तो करवा लो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी महंगा नहीं है policybazaar.com स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस। अब इसका दिमाग दिखाते हैं, इतना छोटा है ये जो ग्रीन है ना, ये इतना दिमाग छोटा है हमसे भी। जब जब हम धोएंगे हैंड वॉश या साबुन, तो इनका भी दिमाग कम चलता होगा, काफी अक्ल भी ज्यादा नहीं होती। ये देखो दिखा सकते हैं इसे कहते हैं आंखों में डिटर्जेंट। ये देखिए टाइट पीले पन के जमे हुए दाग, आप फिर बाथरूम क्लीनेक्स पावर क्लीनर से 10 गुना बेहतर सफाई, अब चमचमाता नया बाथरूम मुबारक हो। खाते प्लांट हीटर अपने बात परिवार के सहारे के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाओ policybazaar.com से।
महंगा नहीं है, policybazaar.com स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लो पापा स्टॉप। क्यों? देखो पापा, ये है आपका मुंह जो है एंट्री पॉइंट, राइट मामा? तुमने रात भर का ड्यूटी की तरह सीधा अंदर। Okay, bye-bye.